नेशनल असेंबली और बीके दत्त दो नौजवान थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गए और ये फैसला हुआ कि हम किसी का कत्ल नहीं करेंगे। ये आजादी की पहली लड़ाई है। तो उन्होंने एक वार्निंग देने के लिए एक बम सरदार भगत सिंह ने फेंका तो दूसरा श्री बीके दत्त ने। क्या आदमी को पहचानना मुश्किल था। वहां की पार्लियामेंट जो है वो भंग हो गई, भाग गए। सरदार भगत सिंह और बीके दत्त अगर चाहते तो वो निकल सकते थे। वो यहाँ आए, यहाँ हम जिस जगह पर खड़े हैं इसके बाहर आके उन्हें दोनों ने कहा कि हमने फेंका भंग। यहाँ से गिरफ्तारी के बाद हम बताएंगे हमारे साथ नौजवान दो साथी हैं जो सरदार भगत सिंह हम इकट्ठे हो रहे हैं। वहां तक बाकायदा जुलूस में चलेंगे। हम सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि कितनी आपत्ति है, कितनी त्रासदी है कि 84 वर्षों में हमारा इतिहास दबा के रखा हमारे नेताओं ने। और बीके दत्त कितने बड़े फ्रीडम लाइफ का आवास हुआ, लेकिन अंग्रेज जानते थे कि इस पर कोई आदमी नहीं मरा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। दवा 307-302 बन नहीं सकती थी। दवा 307 में सजाए बहुत नहीं होती। तो अंग्रेजों ने एक और कोई कत्ल उठाया, मैंने अपने नोट में लिखा है, और कत्ल का केस जो था सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को खराब किया। और 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव चोरी आधी रात को फांसी लटका दिया। ये कहानी है आजादी की। जो लोग आजादी के लिए मरे हैं और आज सब मिलके उनको श्रद्धांजलि दें। अब कुमार और विष्णु गुप्ता हैं, मैं अब यहाँ से हमारा जुलूस चलेगा इनके साथ और जाएंगे रायसीना पुलिस स्टेशन। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, 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 वंदे मातरम। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी जान पे। आज सिंह जो पहन निकला, पहन के निकला, आज सिंह को पहन के निकला, पहन डोला डोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे
रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चो सरदार भगत सिंह अमर रहे आजादी चाहिए। अफ्रीका में है जिस तरह
तरह कि दोनों लोग रायसीना पुलिस स्टेशन था, रायसीना पुलिस स्टेशन जिसे आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन कहते हैं, यहाँ बंदी बनाए, यहाँ पे ट्रायल ट्रायल हुआ, एक पूरी कत्ल नहीं हुआ था, कोई मारा गया नहीं था, कोई तंग भी नहीं था। अंग्रेजों ने प्रोवा करके एक पुराना केस कोई मास्टर था, कत्ल का था, वो सरकार भगत सिंह के ऊपर लगाया। होती है और ये उद्देश्य थी है उस बात से
उन्होंने गांधी जी के बारे में एक बात कही थी कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी आंदोलन करते हैं और समझौते कर लेते हैं, लेकिन गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने मजदूरों को, लाखों हिंदुस्तानी किसानों को इस रास्ते पर ला दिया है और इतना बड़ा जन जागरण गांधी जी ने किया है जिसका श्रेय अहिंसा के एक पुजारी को दिया जाना चाहिए। गांधी और भगत सिंह के बीच सिर्फ विरोध की बात बताई जा रही हो, उस समय इस बात को याद करना जरूरी है कि गांधी का उद्देश्य भी था जनता को जागृत करके आजादी की मंजिल तक देश को ले जाना, भगत सिंह का उद्देश्य भी था जनता को जागृत करके आजादी की मंजिल तक देश को ले जाना। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है और जो आज भी हमारे लिए काम का है वो ये कि मेहनत करने वाली जनता अपने जीवन को बदलने के लिए खुद नहीं लड़ेगी तब तक समाज नहीं बदलेगा, तब तक भारतवर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भगत सिंह को क्रांतिकारियों में जो पुरुष हमारे लिए बाहर आया है उसके प्रति हम नतमस्तक नहीं है। धन्यवाद। हाल और मध्यम इन सबसे ऊपर अपना वतन है, अगर अपना स्थान ग्रहण करें। शास्त्री लक्ष्य संस्था से जुड़े हुए हैं, आप क्या बना रहे हैं? ये फ्रीडम फाइटर्स के बना रहे हैं। ये तीन चक्रे हैं, नाम बताएंगे इनके क्या? इसमें मैंने भगत सिंह और सतगुरु और क्या कहते हैं गुरु तेग को दिखाने की कोशिश की जिनको फांसी दी गई थी। ये आजादी के दीवाने थे, मतवाले थे, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? इनकी वजह से ही आज मतलब जो फ्रीडम हम लोगों को मिली है तो इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आपको क्या लगता है कि अगर आप इस जमाने में होते, इस दौर में होते, आजादी के दौर में, तो पेंटिंग के अलावा क्या करते देश के लिए? जो आज का माहौल है, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति है या देश में जनता पर महंगाई का प्रभाव है, क्या लगता है कि देश वास्तव में आजाद हो गया या कई और मुसीबतें इनको दूर करना है? अभी वैसे देखा जाए तो देश तो आजाद हो गया है, मगर और जो चीजें जैसे करप्शन वगैरह है उसको देखते हुए लगता है कि मतलब अभी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। आपने कहा था कि जब इंसान कभी तो नहीं मिला और वो जब तक नहीं होता है इसी अल्लाह की को पूरा करने के लिए हम कुछ